नमस्कार, मैं राघव जैन। कवर स्टोरी में बात करेंगे कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट का पता लगाने के लिए बने वैज्ञानिक सलाहकारों के। जी हां, सरकारी फोरम इंडियन सोर्स COV2 जीनोमिक्स कैंस्टोरिया के अध्यक्ष पद के वरिष्ठ वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील ने इस्तीफा दे दिया। जी हां, डॉक्टर जमील ने समाचार एजेंसी को अपने इस्तीफे की पुष्टि की है। उन्होंने इसका कारण साफ साफ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैं कारण बताने के लिए बाध्य नहीं हूं। हालांकि डॉक्टर जमील ने एजेंसी से इतना जरूर कहा है कि विभिन्न प्राधिकरण उस तरह से उन साक्ष्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसके लिए उन्होंने अपनी नीति को तय किया हुआ था। आगे उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भी इस्तीफे पर टिप्पणी जाननी चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं एक अन्य INSACOG सदस्य ने एजेंसी को बताया कि उन्होंने सरकार और जमील के बीच किसी सीधे मतभेद की खबर नहीं है। इस फोरम के एक शीर्ष सरकारी वैज्ञानिक ने नाम बताने की शर्त पर समाचार एजेंसी को बताया कि उन्हें नहीं लगता कि जमील के जाने से वायरस के वेरिएंट पर निगरानी रखने के INSACOG के काम पर कोई असर पड़ेगा। न्यूयॉर्क टाइम की थी आलोचना। जी हाँ, डॉक्टर जमील ने हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम अखबार में एक लेख लिखकर भारत में COVID-19 के मैनेजमेंट पर सख्त टिप्पणियां की थी। इसमें उन्होंने कम टेस्टिंग, टीकाकरण की धीमी रफ्तार, वैक्सीन की कमी पर सवाल उठाए थे और एक बड़े हेल्थ केयर वर्कफोर्स की जरूरत बताई थी। उन्होंने लिखा था, भारत में मेरे वैज्ञानिक साथी इन सभी तरीकों के लिए समर्थन करते हैं, लेकिन उन्हें साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए एक कहिए तो अड़ियल प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा। देश में डाटा इकट्ठा करने में अंतर होने पर उन्होंने कहा था, 30 अप्रैल को 800 भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि डेटा उन्हें मिलना चाहिए ताकि शोध, भविष्यवाणी और वायरस की रोकने के लिए मदद मिल सके। जमील ने लिखा था कि डेटा के आधार पर फैसला लेना अभी भी घातक है, जबकि भारत में महामारी नियंत्रण से बाहर है। हम जिस इस इंसानी कीमत को झेल रहे हैं वह एक स्थायी दाग छोड़ जाएगी। INSACOG के एक सदस्य ने द हिंदू अखबार में कहा कि जमील के इस्तीफे का संभावित कारण सरकारी दबाव हो सकता है। पहले भी कहे तो बेबाक टिप्पणी इस महीने की शुरुआत में उन्होंने राइटर्स की रिपोर्ट में किया गया था कि INSACOG ने मार्च की शुरुआत में सरकार को आगाह किया था कि नया और अधिक जानलेवा वेरिएंट भारत में पैर पसार है। B.1.617 वेरिएंट ने इस समय भारत जूझ रहा है। पूरी दुनिया के मुकाबले भारत ने COVID-19 की सबसे बुरी स्थिति जो है झेल रहा है। समाचार एजेंसी ने आगे बताया कि जमील ने से तब पूछा कि सरकार ने इन आंकड़ों पर ध्यान देते हुए तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की, जैसे ही कि वे भारी भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगा सकती थी। डॉक्टर जमील ने कहा था कि उन्हें प्राधिकरणों को लेकर चिंता है जो खुद की नीति के तहत भी साक्ष्यों पर ध्यान नहीं दे रहे। केंद्र की मोदी सरकार की कोरोना वायरस से निपटने को लेकर आलोचना की जा रही, इनमें कुंभ मेले का आयोजन कह ले या फिर प्रधानमंत्री और दूसरे नेताओं की चुनावी रैलियां कराने को लेकर भी तीखी आलोचनाओं की जा रही है। कोरोना वायरस के कारण भारत के हेल्थ केयर सिस्टम की कहे तो बुरी हालत दिख रही है। सोशल मीडिया पर बेड ऑक्सीजन के इलाज की अपील करते हुए पोस्ट अब आम हो चुकी है। इस पर भी बहुत ज्यादा कहे तो सरकार सख्ती करना चाहती थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तब कहीं ना कहीं इस पर रोकथाम लगी। देश में बीते 3 सप्ताह में 3 लाख से अधिक रोजाना कहे तो कोविड संक्रमण के मामले सामने आ रहे और प्रतिदिन 4,000 से अधिक लोगों की मौत हो रही। आखिर ये वो मौतें हैं जो सरकार द्वारा आंकड़े जारी किए जा रहे, जबकि असल बहुत परे है, असलियत बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि शमशान घाटों में कहे तो जो डेथ सर्टिफिकेट भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं और एक के बाद एक चिताएं जल रही है और सरकार अभी भी आंकड़े छुपा रही है, सरकार अभी भी अपनी नाकामियों को छुपा रही है। अगर यही हाल रहा तो तीसरी लहर में भारत किस हालात से गुजरेगा इसका कहे तो अनुमान लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।